दीदी बार बार माँ पर इल्जाम लगाए जा रही थी और शौहर बार बार उसको अपनी हद में रहने का कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया, अंगूठी हो ना हो माँ जी ने ही उठाई है। बात जब शौहर की हद से बाहर हो गई तो उसने बीवी के गाल पर जोरदार एक तमाचा दे मारा। अब 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी, बीवी से तमाचा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर छोड़ कर जाने लगी। और जाते जाते उसने शौहर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। तब शौहर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने जब सुना तो उसका दिल भर आया। शौहर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था तब उसके वालिद गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढक कर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियाँ इस टोकरी में हैं, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने के काबिल हुआ हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि जिस माँ ने उम्र के उस हिस्से में अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ उम्र के इस हिस्से में कैसे एक अंगूठी की भूखी हो सकती है, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो 3 माह से मेरे साथ हो, मैंने तो माँ की कुर्बानियों को पिछले 25 सालों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहे या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज। मेरी दुआ है दोस्तों कि अल्लाह हम सब की माँ को हमेशा सलामत रखे। आमीन।